नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मोकामा की सीट का पूरा विश्लेषण आप तक पहुंचाया कि कितने उम्मीदवार हैं, कौन कौन हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामले क्या हैं, उनकी संपत्ति क्या है और शिक्षा में वो कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बात हम गोपालगंज की करेंगे। आपको बताएं कि पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक सुभाष सिंह के निधन के वजह से यह सीट खाली हुई, जहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। 17 सालों से सुभाष सिंह का इस सीट पर राज रहा, लेकिन अब उनकी पत्नी कुसुम देवी बीजेपी के टिकट पर इस चुनाव में ताल ठोक रही हैं। उनके अलावा 8 और उम्मीदवार यहां मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें AIMIM से अब्दुल सलाम, महागठबंधन से RJD के मोहन प्रसाद गुप्ता, BSP से साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव, इसके अलावा मोतीलाल प्रसाद, जगमोहन महतो, विनय कुमार राय, प्रमोद कुमार, संजय कुमार प्रसाद, ये तमाम लोग भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या गोपालगंज में 9 है। अब हम बात करते हैं कुसुम देवी की। कुसुम देवी जो कि पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक जिनका निधन हो गया, सुभाष सिंह उनकी पत्नी हैं, बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है और सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं इस सीट की। और इनके बारे में अगर बताएं शिक्षा के कि इन्होंने कहां तक पढ़ाई की है, तो जो एफिडेविट इन्होंने नामांकन के दौरान जमा किया उसमें इन्होंने बताया है कि ये साक्षर हैं, यानी कि कहां तक पढ़ाई किया, किस कॉलेज में पढ़ी, किस स्कूल में पढ़ी, इसकी कोई जानकारी नहीं। साक्षर हैं मतलब कि लिखना पढ़ना जानती हैं, बस इतना इन्होंने जानकारी दिया है। आपराधिक मामले इन पर नहीं हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनके संपत्ति की, तो तमाम जो इन्होंने जानकारी दी है, हाथ में नगदी, बैंक में जमा, इंश्योरेंस, सोने चांदी या जेवरात कहिए, गाड़ी में स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर है इनके पास, मतलब इनके पति के नाम पर है। इसके अलावा जो कृषि भूमि है, गैर कृषि भूमि है, तमाम चल अचल संपत्तियों को अगर जोड़ दे तो इनके पति सुभाष सिंह और इनके नाम पर लगभग 4 करोड़ के आसपास की संपत्ति इन्होंने बताई है। इसके अलावा अगर बात करें AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम की, पूर्व मुखिया और टूर एंड ट्रेवल के बड़े कंपनी के मालिक हैं, तो इनके बारे में आपको बताएं कि गोपालगंज के ही हैं और अचानक से गोपालगंज में मीम ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और बड़ी दमदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। शिक्षा की इनकी बात करें तो 1988 में इन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। आपराधिक मामले इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, या कहिए 3 हैं। मारपीट, चोरी, हत्या का प्रयास का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। साथ ही साथ संपत्ति की बात करें तो गोपालगंज सीट पर जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी तुलना में सबसे अधिक संपत्ति इन्होंने ही अपने एफिडेविट में बताई है। इनके पास लगभग 6 बसें हैं और 1 बुलेट गाड़ी है जिसकी कीमत लगभग 95 लाख है। और इसके अलावा जो इनकी तमाम चल अचल संपत्ति को जोड़ दे तो 6 करोड़ से अधिक के मालिक हैं ये। इसके अलावा अगर बात करें महागठबंधन से RJD के उम्मीदवार मोहन गुप्ता की, तो मोहन गुप्ता 2020 विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर RJD के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कि सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन यह सीट 2020 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में चली गई थी तो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन इस बार उपचुनाव में इन्हें RJD ने अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। और इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, 1993 में इन्होंने पूरी की। आपराधिक मामले इनके ऊपर 2 हैं, जिसमें एक आयकर से जुड़ा हुआ मामला है। और तमाम जो इन्होंने जानकारी दी है अपनी संपत्ति के बारे में, तो इनके बारे में आपको बताएं कि बड़े व्यवसायी हैं, सोने चांदी की अच्छी खासी इनकी जो है वो काम चलते हैं गोपालगंज में, बड़े व्यापारी में से एक माने जाते हैं, वैश्य समाज से भी आते हैं। तो जो इन्होंने जानकारी दी है उसके अनुसार लगभग 5 करोड़ से अधिक, या कहिए लगभग 6 करोड़ के आसपास चल अचल संपत्ति इन्होंने एफिडेविट में दर्शाई है, अपनी और अपनी पत्नी की दोनों जोड़कर।
इसके अलावा जो एक और सबसे प्रबल दावेदार इस सीट की हैं और माना जा रहा है कि चतुष्कोणीय जो लड़ाई बन रही है उसमें ये दूसरे नंबर पर कहिए या बीजेपी को टक्कर देने वाली कैंडिडेट के तौर पर इन्हें माना जा रहा है, वो है इंदिरा यादव। साधु यादव की पत्नी हैं, बीएसपी के टिकट पर इस बार मैदान में है। आपको बताएं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज सीट से साधु यादव खुद उम्मीदवार थे, बीएसपी के टिकट पर ही थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे बीजेपी के बाद, और कांग्रेस उम्मीदवार महागठबंधन के तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो इस बार साधु यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी इंदिरा यादव चुनावी मैदान में है। और शिक्षा के मामले में जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं, बताया जा रहा है जो लड़ाई में हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की है। आपराधिक मामला इनके ऊपर कोई नहीं है। और इनके चल अचल संपत्ति की बात करें तो खुद इनके पास 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, जबकि इनके पति साधु यादव के पास भी 1 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति जो है वो एफिडेविट में दर्शाई गई है। तो ये तमाम जानकारियां जो ये 4 प्रबल दावेदार चतुष्कोणीय लड़ाई के बताए जा रहे थे गोपालगंज में, उनके बारे में हमने आपको तमाम जानकारी दी। देखिए, गोपालगंज की सीट पिछले 17 वर्षों से यानी 2005 से 2020 तक लगातार बीजेपी के सुभाष सिंह इस सीट पर चुनाव जीतते रहे। 2020 में तो जीते तो मंत्री भी बने, लेकिन उसके बाद हमेशा से अस्वस्थ रहे। फिर निधन हो गया, उपचुनाव हो रहा है, मैदान में बीजेपी ने उनकी पत्नी को उतारा है। बताया जा रहा है कि सहानुभूति वोट की लहर भी रहेगी, साथ में जो सुभाष सिंह का कैडर वोट है वो तो रहेगा ही, बीजेपी का जो कैडर वोट है वो उनके साथ रहेगा ही। राजपूत समाज से भी आती हैं और राजपूत समाज का अच्छा खासा संख्या जो है वो गोपालगंज में है। इसके अलावा अगर अन्य कंटेस्टेंट की बात करें जो गोपालगंज में उम्मीदवार हैं तो साधु यादव हैं, तेजस्वी यादव के मामा, लालू प्रसाद यादव के साले, तो गोपालगंज में अपना एक कद जरूर रखते हैं और यादव वोटरों के साथ मुस्लिम वोटरों में भी अच्छी खासी पैठ वो रखते हैं। इसके अलावा आरजेडी से मोहन गुप्ता हैं, वैश्य समाज से आते हैं। कहा जा रहा है कि वैश्य समाज का वोट काटने के लिए और आरजेडी का जो वोट है वो तो उनके साथ जाएगा ही, और एक नया प्रयोग करने की कोशिश आरजेडी के तरफ से की गई है। लेकिन जो क्षेत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार शायद आरजेडी का जो ये प्रयोग है उतना कामयाब होते ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। साधु यादव शायद एक बार फिर, उनकी पत्नी इंदिरा यादव इस सीट पर महागठबंधन प्रत्याशी पर भारी पड़ सकती हैं। लेकिन इन दोनों के सामने एक और बड़ी चुनौती है, AIMIM। AIMIM ने भी गोपालगंज में अपना उम्मीदवार उतार दिया, और गोपालगंज में अगर वोटों की बहुलता की बात करें तो मुसलमानों का वोट सबसे अधिक है, लगभग 58,000 के आसपास उनका वोट है। ऐसे में AIMIM का जिस प्रकार से लगातार वर्चस्व हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चाहे बात बिहार की भी कर ले तो 2020 में 5 सीटों पर जीत हुई, 2019 के किशनगंज उपचुनाव को जीता और अब गोपालगंज के चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद गोपालगंज की जनता से कहिए या अपने जो कोर वोटर हैं उनसे कहिए बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में अगर कोर वोटर जो है AIMIM के अब्दुल सलाम के पक्ष में रहें तो नुकसान साधु यादव को भी होगा, महागठबंधन को भी होगा और बीजेपी को फायदा थोड़ा ज़्यादा होता नजर आएगा। अब देखना होगा कि जिस प्रकार की चतुष्कोणीय लड़ाई की बात की जा रही है उसमें बाजी कौन मारता है। आप बन रही है लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।